नमस्कार दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है हिंदी पढ़ना लिखना। अब हिंदी पढ़ना लिखना 5 साल से 6 साल के बच्चे को अच्छे से आ जाता है। ज़्यादा शुद्धिकरण नहीं हो पाता उसमें, बट लिखना पढ़ना आ जाता है। यही छोटा सा लक्ष्य मेरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं पढ़ना लिखना सिखा सकूँ। पूरा कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ 66 वीडियोज़ के साथ। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं उन्हें दिक्कत होती है। तो मैं बार बार वीडियोस बनाकर आप लोगों को बता चुका हूँ कि 66 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता है या तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आप अगर वहाँ जाएंगे तो सभी चीज़ें आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 से देखना शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं हो पाता, उनको विश्वास नहीं हो पाता कि हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, या उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और पढ़ने लिखने के लिए हमें सवालों की तरफ नहीं भागना चाहिए। अगर हमारे पास बुक है तो हम क्या सवालों बुक के राइटर के पास जाते हैं कि भाई तूने ये क्या लिखा ये क्या लिखा? नहीं, हम उनकी लिखी हुई सभी बातों को पढ़ते हैं। जो एक बुक है उस पूरी बुक को पढ़ते हैं, उसके राइटर के पास नहीं भागते। इसी तरह जो वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, आप उस वीडियो कोर्स को देखिए, आप क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए। जितनी चीज़ें आसान होती जाती है उतने हमारे जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती जाती है। यार ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए। वैसे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, बट जैसा कि मैं कहते हुए आ रहा हूँ बट उसका कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। आप लाइन वाइज सभी चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे सवालों के जवाब आगे आगे दिए जा चुके हैं। जो 66 वीडियो का पूरा कोर्स है उसमें सभी सवालों के जवाब भी हैं। आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका ये मुझे दिक्कत है, लेकिन आप वीडियो 13, 14 पे पहुंचेंगे तो उन सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। जब आप अवा सीख रहे हैं वहाँ तक मैंने मात्राएँ नहीं बताई, तो मात्राएँ तो मैंने वीडियो नंबर 9, 10 में बताई है। तो जब आप 1 से लेकर 8 तक देख लेंगे और 9वीं वीडियो देखेंगे तभी आपकी मात्रा अच्छी होगी ना। तो आप 3री 4थी वीडियो देख के आप कमेंट कर देते हैं हमें मात्रा नहीं आती, मात्रा बताओ, क का की बताओ, तो वो सब चीज़ें आगे हैं। फिर जब आप क का की सीख जाते हैं फिर कहते हैं श श में अंतर बताओ, ड और ढ में अंतर बताओ, ये क्या होता है ये क्या होता है, तो आपके सवाल आते रहते हैं मन में। लेकिन आपको ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि पूरा कोर्स अपलोड हो चुका है, सभी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। आप पूरे कोर्स को देखते हुए चलिए तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो आगे ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के लिए देता रहता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी लोगों से बातचीत होती है, एक बहुत बड़ी बात आ रही है सामने कि हमें आप सपोर्ट नहीं करते, हमें आप जवाब नहीं देते। आप बताइए क्या ये पॉसिबल है कि किसी को व्हाट्सएप पे कॉल करके उसको समझाया जा सके, आधा घंटा किसी को दिया जा सके या 15 मिनट किसी को दिया जा सके? 1-2 मिनट में अगर कोई ज़रूरी सवाल है तो उसका हल तो कर सकते हैं, बट 15 मिनट 20 मिनट डेली के हम किसी को नहीं दे सकते। ये मजबूरी आपको समझनी पड़ेगी और ये चीज़ें आपको अच्छे से अपने जहन में बिठानी पड़ेगी। जब हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम ऑप्शनों की तरफ भागते रहते हैं, जो ऑप्शन हमारे पास होते हैं हम उनकी तरफ नहीं भागते। यदि आपको पढ़ना लिखना सीखना है तो 15-20 मिनट 2 घंटे 3 घंटे आपको कॉपी किताब लेकर बैठना होगा, उन सब चीज़ों का अभ्यास करना होगा यदि सच में सीखना चाहते हैं। यदि आप किसी के पास जाएंगे कि हमें सिखा दीजिए हमें करा दीजिए तो कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपकी मदद इतनी नहीं कर सकता हूँ। बहुत लोग हैं, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर वीडियोज़ बना के डाली जाती है। आप लोगों के जो भी सवाल होते हैं उनके हिसाब से हम वीडियोज़ बना के डालते हैं, ना कि आपको कॉल करके समझाते हैं। अगर कॉल करके समझाएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा। हमें जो वीडियो से अर्निंग होती है वो वीडियोज़ बनाने से, वीडियोज़ को दिखाने से, आप लोगों के सामने वीडियोज़ रखने से होती है, ना कि उसको व्हाट्सएप पर किसी को समझाने से। और व्हाट्सएप पर समझाना कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। जितने भी व्हाट्सएप पर समझाते हैं या लाइव सेशंस लेते हैं या लाइव वीडियोज़ देते हैं उन्हें, वो सब पेड कोर्सेज़ होते हैं। जब आप पेड कोर्सेज किसी का ज्वाइन करते हैं तब आपको वो सब चीज़ें मिलती है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मुझे जितना जो कुछ पढ़ाना है वो सभी चीज़ें मैं अपने रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों के सामने लाता हूँ। और मैं ये सिर्फ बात कह नहीं रहा हूँ, 135 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। जिन लोगों को सीखना है वो लाइन वाइज अगर सभी वीडियोज़ देखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये, तो सिर्फ AMD क्लासेस चैनल नहीं है, आदित्य मोहन ठाकुर चैनल भी है, वहाँ पर भी बहुत सारा अभ्यास पड़ा हुआ है। जिसको अभ्यास करना है वो वहाँ पर भी जाके कर सकता है। YouTube पर मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारी बहनें, मेरी बहुत सारी माताएं हैं जो वो भी पढ़ा रही हैं हिंदी, आप उनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। मिला जुला कर एक इतना अच्छा कोर्स, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला हुआ है जो बिना किसी पैसों के है। बिना पैसों के आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं अगर अच्छे से फोकस रहेंगे। AMD क्लासेस चैनल को बनाने का लक्ष्य यही है कि आपको हिंदी की पढ़ने लिखने की सभी वीडियोस आपको एक जगह मिल सके।
अगर आप इतने समझदार हैं, टेक्निकल इश्यूज़ को समझते हैं, यूट्यूब क्या है, प्लेलिस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइन वाइज वीडियोस कैसे देखते हैं, वीडियोस को धीरे कैसे करते हैं, तेज कैसे करते हैं, वीडियो को डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट कैसे देख सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको आती है या आपका माइंड इतना है कि आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकें, ऑनलाइन पढ़ सकें, तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को नहीं सीख सकते। अगर आपको ये सब सीखना है तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी, और वो मदद मेरी तरफ से नहीं मिलेगी। मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। मेरे पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पर पूरी सभी चीज़ें करूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, बट वो बातचीत वही बातचीत होती है जो बाकी लोगों से हुई है, और वो बातचीत वही बातचीत होती है जिसका मैंने लाइव सेशन में जवाब दिया है, वो वही बातें होती है जिनका मैं अपनी वीडियोज़ में बीच बीच में जवाब देता रहता हूँ। तो जो लोग नए नए जुड़े हैं, उन्हीं के ये सवाल होते हैं, जो मेरे साथ एक साल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शायद दिक्कत ना होती हो। तो ये एक सवाल था, बहुत लोगों का बार बार आ रहा था, मुझे भी लग रहा था कि लोग मैसेज करते हैं तो मैं उन्हें क्या क्या जवाब देता हूँ, उन्हें कॉल करता हूँ। और कॉल करते समय हमारे देश में ये भी है कि लोग समझते नहीं है। हम अगर यूट्यूब पे आए हैं, मैं यूट्यूब पे आया हूँ किस लिए आया हूँ, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है, अपनी वीडियोस बनाता है, आपके लिए मेहनत करता है, मेहनत करके वीडियोस लाके देता है, क्यों दे रहा है, वो सब किस लिए दे रहा है, ठीक है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, किसी लक्ष्य से आता है। मैं लाखों लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, कुछ पैसे भी कमाना चाहता हूं। अगर मैं कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस टाइम के बदले मैं भी कुछ चाहता हूं, या कोई भी आदमी चाहता है। अगर मैं अपने लाइफ की सभी चीज़ें यहाँ पर ला कर रख दूँगा, सारा इन्वेस्ट यहाँ पर कर दूँगा, सारा टाइम यहाँ पर देने लगूँगा, और मुझे कुछ यहाँ से मिलेगा नहीं, अगर उतना टाइम की वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। आप सोचेंगे कि आपको तो YouTube से पैसे मिलते हैं, सबको YouTube से पैसे मिलते हैं। पैसे उन्हें अच्छे मिलते हैं जिनके लाखों व्यूज़ आते हैं, जिनके लाखों देखने वाले हैं, लाखों चाहने वाले हैं, हज़ारों वीडियोस को लाइक करते हैं। हमारे चैनल पे ऐसा नहीं है। हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं 2000, 3000, 5000, 10000, ज़्यादा से ज़्यादा 15000 लोग तक देखते हैं। जो वीडियोज़ 100,000 लोगों ने देखी है, वो वीडियोज़ 1 साल पुरानी है। 1 साल में अगर 100,000 लोग देखेंगे तो उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। ये सभी चीज़ें टेक्निकल इश्यूज़ हैं, आप लोगों को इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। बट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, एक टीचर होने के साथ साथ, एक अध्यापक होने के साथ साथ, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो यूट्यूबर ये ज़रूर देखेगा कि वो कितना अर्न कर पा रहा है, अपनी जो वीडियोस दे रहा है उससे कितना कमा पा रहा है। और जब तक कमाएगा नहीं तो वो चीज़ों को आगे कैसे चलाएगा। किसी के लिए भी टाइम इन्वेस्ट जो करता है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए करता है। आप ग्रामर की वीडियोस अभी पढ़ रहे होंगे, व्याकरण की वीडियोस पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कितना आपका ज्ञान बढ़ रहा है, जो ग्रामर की वीडियोस को देख रहे होंगे और हिंदी के बारे में पता कर रहे होंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। 1.5 साल मैं इस चैनल पर दे चुका हूँ, और इसके अलावा 3.5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। तो एजुकेशनल चैनल को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पढ़ाने लिखाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट बनाया है तो जा सकता है, बट उसको आगे तक चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए, अभ्यास कीजिए, जो सवाल है उन सवालों को लिखिए। जब आप सवाल लिखेंगे, सही सवाल होंगे, जिनका जवाब नहीं दिया होगा तो उन पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बहुत लोगों के सवाल थे, अब जो मैं कर चुका हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। श श श में अंतर होता है, मैंने आप लोगों को बताया। ड ढ में हमें अंतर पता नहीं चलता, अक्षत्र ज्ञ का हमें पता नहीं चलता, स्वरों का पता नहीं चलता, व्यंजन का पता नहीं चलता, वर्णमाला का पता नहीं चलता, र के विभिन्न प्रकार पता नहीं चलते। तो इन सभी चीज़ों की मैं वीडियोस दे चुका हूँ। अब जो नए लोग आएंगे, क्या वो यही सवाल नहीं पूछेंगे कि हमें सर स में अंतर नहीं पता चलता? तो उनके लिए तो पहले से वीडियो अपलोड है। जब आप चैनल पर आते हैं या किसी भी चैनल पर जाते हैं तो पहले उनकी वीडियोस देख लीजिए कि उन्होंने 135 वीडियो में क्या कराया हुआ है। पहले उस चीज़ को देख लीजिए, फिर पढ़ना शुरू कीजिए। पहले चैनल को रिविजिट कीजिए कि क्या है उस चैनल पर, क्या लक्ष्य है। उस चैनल को देखिए कि उसने क्या क्या समझाया है, क्या क्या करा रहा है। हर किसी का अलग लक्ष्य है, मेरा अलग लक्ष्य है, किसी और का अलग लक्ष्य है, किसी और का अलग लक्ष्य होगा। जो मेरा लक्ष्य है वो मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ। तो समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता है। अगर आप सभी चीज़ें समझ गए अच्छे से तो इन चीज़ों को अपने अंदर बिठा लीजिए। आपके साथ कोई नहीं है, मैं ये हिंदी पढ़ा लिखा रहा हूँ, ये कमरा देख रहे हैं आप, ये पूरा सेटअप देख रहे हैं, इसमें मेरे अलावा कोई नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मेरा मन है, मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। मेरा मन कल नहीं रहेगा, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा, क्योंकि काम बहुत है। काम करने के लिए हमारे आसपास में बहुत है, समाज में आप कुछ भी कर सकते हैं। बट किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उसमें पूरा अपना एफर्ट देना चाहिए, उन चीज़ों को करना चाहिए। जितना एफर्ट मैं आप लोगों को कर रहा हूँ उसका
80 गुना आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों के सामने चीज़ें रख रहा हूँ, उन चीज़ों को बैठकर समझना आप लोगों को पड़ेगा। जो लोग दिन में 10 मिनट नहीं बैठ सकते किसी एक जगह टिक कर, वो 2 घंटे बैठकर पढ़ भी नहीं सकते। तो सिर्फ आपके मन में एक ख्वाहिश है कि मुझे हिंदी सीखना है, तो वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। हिंदी सीखने के साथ साथ बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी आपके मन में, लेकिन जिनका दृढ़ विश्वास है कि मुझे तो करना है, वो लोग कर जाएंगे। मुझे भी सिखाना था, मुझे भी हिंदी का चैनल बनाना था, मुझे भी हिंदी पढ़ा लिखा कर पैसा कमाना था, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ आज की डेट में। मैंने 3 चैनलों पर 50-50 वीडियोस बनाकर 3-3 बार चैनल बनाया, और ये मेरा 3रा चैनल है जिस पर मैंने हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया। एक बार चैनल बनाया नहीं सक्सेस हुआ, दूसरी बार चैनल बनाया 120 वीडियो डाली फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। ये चैनल बनाया 6 महीने मैंने इस पर मेहनत की, चैनल को मोनेटाइज कराया, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ और उसके बाद इन वीडियोज़ को दे पाता हूँ। तो मैंने पिछले 3 साल से इन सब चीज़ों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत आप लोगों को दिख रही है, तो आपको भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास कोई नहीं आएगा जो आपका हाथ पकड़ेगा और उन सब चीज़ों को करेगा। बाकी चीज़ें आप लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, तो मुझे आशा है, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि चीज़ों को समझिए, असल चीज़ों को जीवन में समझिए। कोई भी आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ स्वयं सिर्फ अपने आप के लिए है, ठीक है? तो इस चीज़ को मानिए अगर आपको सीखना है, और सीखने से फ़ायदा क्या है ये मेन चीज़ है। आप सीख रहे हैं उससे फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा होगा अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि जिस चीज़ में हमारा फ़ायदा नहीं होता वो भी कोई काम नहीं करता। जैसा कि मैं भी आप लोगों को तो यही तो कह रहा हूँ, अगर मुझे फ़ायदा नहीं होगा तो मैं वो काम नहीं करूँगा। इसी तरह आप लोगों का भी अगर हिंदी सीख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लोग हिंदी सीखने के लिए विश्वास ही नहीं जगेगा। अगर आप वो फ़ायदा ढूंढ लेंगे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आपका मन लगेगा, मन लगेगा तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और सवालों की तरफ नहीं भागेंगे। सवालों की तरफ मत भागिए, फालतू सवाल आते हैं हमारे मन में। 60,000 के करीब हमारे मन में विचार आते रहते हैं प्रतिदिन। अगर हम उन सभी 60,000 विचारों की तरफ भागेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें एक विचार पर टिके रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि चैनल पर वीडियो नहीं आएगी, वीडियोस आती रहेंगी। ये समझाने की वीडियो, आपसे बातचीत करने की वीडियो है, तो इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो हमारी मात्राओं की वीडियो है वो आती रहेगी, नाम की वीडियो है वो आती रहेगी, कठिन शब्द की वीडियो है वो आती रहेगी, शब्दार्थ की वीडियो है वो आती रहेगी, हिंदी व्याकरण की वीडियो चल रही है वो आती रहेगी, यदि कोई नई मात्रा में कोई और नई चीज़ आती है तो वो भी आप लोगों के समक्ष आती रहेगी। बस सभी चीज़ों को समाप्त करके AMD क्लासेस से हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए। और जहाँ तक सिर्फ 135 वीडियो है, यही वीडियो मैं अगर 1 साल बनाऊँगा तो शायद 235, 335, 435 हो जाएगी। काम बढ़ता रहेगा, ठीक है? क्योंकि सीखने के लिए तो नई नई चीज़ें आती रहती है। आप कितनी चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ और समझाते हुए, आपके सभी सवालों का जवाब देते हुए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।